गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और सेशन में शेयर एकेडमी के। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की ही अगली कड़ी में आने वाला अगला वीडियो है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप अभी तक लर्न टू अर्न सीरीज, जो कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज थी वो, और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस की फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड सीरीज देखते हुए काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। ऑलमोस्ट हमने किसी भी शेयर का ओवरव्यू और उसकी बैलेंस शीट कवर कर ली है। आज का जो टॉपिक है ये बैलेंस शीट का ही अगला पार्ट है, जिसके बारे में हम इस पूरे सेशन के दौरान बात करेंगे। टॉपिक है करंट लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स, जहाँ तक 15 वीडियोस अब तक हो गए हैं, जिनमें से ये 14th वीडियो मिसिंग था, ये हमारे सब्सक्राइबर ने याद दिलाया और उसके बाद आज हम ये वीडियोस डाल रहे हैं। सो उम्मीद है हमारी कि इन सेशन से सीखते हुए अब धीरे धीरे आप, जैसा कि आपसे फीडबैक भी मिल रहा है, आप शेयर्स को एनालाइज करना सीख रहे हैं, ये जान रहे हैं कि फंडामेंटल्स पर वो कौन से संकेत हैं जिसको देखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, और ये जानकर आप जो वीक शेयर्स हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो से अवॉइड कर सकते हैं, फर्दर उनमें किसी भी तरह की निवेश अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इसी सीरीज़ का जो 14th वीडियो है, जो कि है करंट लाइबिलिटीज़, इसके बारे में हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे बैलेंस शीट के, जिनके अंदर देखेंगे कि करंट लाइबिलिटीज़ आखिर किस तरह से किसी बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है और जो ये बताती है कि कंपनी स्ट्रांग है या फिर वीक। ओके, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि बेसिकली करंट लाइबिलिटीज़ है क्या, और इससे पहले का जो वीडियो था हमारा करंट एसेट, उम्मीद है कि आप सबने देखा है। ये करंट एसेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, करंट और एसेट सेम, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ दो शब्दों से मिलकर बना है, करंट और लाइबिलिटीज़। सो करंट का मतलब है वर्तमान में और लाइबिलिटीज़ का मतलब है दायित्व। और जब हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके शब्द आपको पता है हमेशा से ही कठिन रखे जाते हैं, और उसकी वजह यही है ताकि ज़्यादा लोग न जाने। बिल्कुल, फाइनेंस के शब्द कठिन रखने की वजह यही है ताकि हर किसी को फाइनेंस के बारे में जानकारी ना हो, मुट्ठी भर लोग ही जान सकें जो जानना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, और वही लोग उसके बाद इस फाइनेंस के सिस्टम को चलाएं। ये बेसिकली मोनोपोली रखने का एक बहुत ही दुर्लभ तरीका है, जिसका कि समाज में और इस पूरे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो करंट का मतलब है एक साल। जब भी कभी फाइनेंस में आप करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है साल दर, यानी कि जैसे करंट एसेट आया था तो उसमें करंट का मतलब था एक साल और एसेट का मतलब वो संपत्तियां जिनको आप एक साल के अंदर कैश करा सकते हैं। सेम वैसे ही है करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब है दायित्व, ऐसे दायित्व जिनको कि आपको पूरा करना है और कितने समय में पूरा करना है, एक साल के अंदर। यानी आपने अगर किसी से उधार ले रखा है तो उस उधार को आपको एक साल के अंदर चुकाना है, ये है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब है बैलेंस शीट के अंदर आने वाली वो सारी लाइबिलिटीज़ जिनको आपको एक साल के अंदर पूरा करना है। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि किसी भी कंपनी के दैनिक खर्चों को प्रतिदिन के हिसाब से पूरा करने के लिए कंपनी के पास में जो करंट एसेट है वो इतना होना चाहिए कि उसकी करंट लाइबिलिटीज़ चुक जाएं। अब ज़रा इस कंपनी को एक इंसान के तौर पर समझिए भाई। एक इंसान के पास में अलग अलग तरीके की संपत्तियां होती हैं, जैसे उसके पास एक घर है, कहीं ज़मीन है, एक गाड़ी है। इन सब संपत्तियों के होने के बावजूद वो कुछ पैसा कैश भी रखता है अपनी जेब में, जिससे कि वो हर दिन का जो सामान है, मार्केट जाना और सामान खरीदना, ये सब कर सकता है। साथ ही वो थोड़ा सा पैसा रखता है बैंक के अंदर, क्यों? ताकि जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है अगर कैश की, तब वो निकाल सके। सो करंट लाइबिलिटीज़ असल में अपने आप में कुछ नहीं है जब तक आप इसको करंट एसेट के साथ कंपेयर करके नहीं देखते। मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़, और वो भी करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट से ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पर उस कंपनी के लिए समस्या पैदा होनी शुरू होती है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिदिन के आपके खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जेब में रखे हुए पैसे से आप वो खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको सब्जी लाने की ज़रूरत है, आप मार्केट गए, आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं जबकि सब्ज़ी हुई 150 रुपये की।
अगले दिन फिर यही हालत होती है, आप मार्केट गए सब्जी खरीदने के लिए, फिर 100 रुपये की सब्जी है, आपकी जेब में है सिर्फ 50 रुपये। जब ये चीज़ रेगुलर बेसिस पर होती है तब कोई भी आदमी आपको देख कर ये कहेगा कि आप बेहद इररिस्पॉन्सिबल किस्म के इंसान हैं। और यही चीज़ होती है एक कंपनी के सेंस में भी, अगर कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कंपनी के करंट एसेट से, तो मोटा मोटी ये माना जा सकता है कि कंपनी थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल हो रही है। फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर सीए के स्टूडेंट्स हैं, ये सेशन उनके लिए नहीं है। ये सेशन है हमारे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस को, जिनको बैलेंस शीट का भी नहीं पता है। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉलेज बहुत ही हल्का है, आप एक पेशेवर स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि ये नॉलेज बहुत हल्का है, तो ये नॉलेज बेसिकली आपके लिए है ही नहीं। ये नॉलेज हमारे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे ये बताने के लिए कि किसी भी बैलेंस शीट को एनालाइज़ कैसे किया जाए, शेयर्स को फंडामेंटली कैसे एनालाइज़ किया जाए, तो हम उनके लिए बता रहे हैं। अब ज़रा इसी नॉलेज का लाइव एग्जांपल देखते हैं हम बैलेंस शीट पर। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियोस सबसे पहले देखना शुरू कर रहे हैं और इससे पहले कि आपने बैलेंस शीट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारा सजेशन है कि इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, क्योंकि फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए वीडियोस हमने सीरीज से बनाए हैं, आपको एक नंबर से वीडियोस देखने शुरू करने चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा कि हम इस समय कह क्या रहे हैं। ओके, इन्फोसिस की बैलेंस शीट आपको पता है कि बैलेंस शीट आपको कहां से मिलेगी, मनी कंट्रोल की साइट से। ओके, अब जरा इसकी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। करंट लाइबिलिटीज, हालांकि साल दर साल बेसिस पर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, 5000 करोड़ ये ईयर है यहाँ पर मार्च 15, 16, 17, 18, 19, और यहाँ पर है करंट लाइबिलिटीज, इसे ध्यान से देखिएगा। साल दर साल करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, 5700 करोड़, 11000 करोड़, 11500 करोड़, 11900 करोड़, 15700 करोड़। तो लाइबिलिटीज़ बढ़ना अच्छी बात नहीं है, बट कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ तो बढ़ेंगी ही साल दर साल। हमें इसे देखना है कंपेरिजन में करंट एसेट के, हमेशा कंपनी का करंट एसेट कंपनी के करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंपनी की एक हेल्थ का संकेत है, यानी दैनिक खर्चे, मान लीजिए कि करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि एक साल भर में जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं कंपनी को, तो इस पूरे साल कंपनी के उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए कंपनी के पास सफिशियंट करंट एसेट है। करंट एसेट को हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए, ये एक बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके अंदर आपको कभी ये लगता है कि करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा हो रही है करंट एसेट से, तो फिर थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है कंपनी के। ठीक है, ये रहा इन्फोसिस। सेकंड देखते हैं MRF, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं कंपनी के और सभी को पता है कि मार्केट की दिग्गज कंपनी है। ओके, ध्यान से देखिएगा कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़, 3000 करोड़, 3800 करोड़, 4300 करोड़, 4800, 5700, यानी लगातार करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ सही है, क्यों, कंपनी ग्रो कर रही है तो करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बट इसे हम कंपेयर करके देखेंगे करंट एसेट के साथ। जब कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ 3000 करोड़ थी, तब कंपनी के करंट एसेट 4200 करोड़, बढ़िया है, 3800 करोड़, 3700 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, बढ़िया है, 4300 करोड़, 4600 करोड़, बढ़िया, 4800 करोड़, 4400 करोड़, बढ़िया, 5700 करोड़, 5300 करोड़, बढ़िया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और क्या है, अगर 5700 करोड़ नीचे लाइबिलिटीज़ है और 5300 करोड़, तो इसका मतलब कंपनी को अगर खर्चे पूरे करने हो तो इसको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अचानक कंपनी पैसा लाएगी कहाँ से, कंपनी लाएगी पैसा कैश रिजर्व से, ये दिख रहा है आपको, कैश रिजर्व से पैसा लेकर आएगी और चुका देगी बाकी का बचा हुआ पैसा। यानी करंट एसेट अगर कंपनी पूरे इस्तेमाल कर ले 5300 करोड़, तो करंट लाइबिलिटीज़ में से फिर भी करीब 500 करोड़ रुपए बचेगा, और 500 करोड़ के लेनदार आएंगे कंपनी के पास, बोलेंगे कि हमारा पैसा दो हमको वापस, तो उस समय कंपनी क्या करेगी, कैश रिजर्व से पैसा निकालेगी और चुका देगी। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या हो कि अगर कंपनी का करंट लाइबिलिटीज़ इतना ज़्यादा हो जाए कि ना तो वो करंट एसेट से चुक सके और ना ही कैश रिजर्व इस्तेमाल करने के बाद भी करंट लाइबिलिटीज़ चुके, यानी लेमैन लैंग्वेज में समझाएं, एक आदमी, मान लीजिए हमारे आपके जैसा नहीं, कोई तीसरा आदमी, ठीक है ना, क्योंकि समझाना है और काम है बुरा, इसलिए हमारे आपके जैसा नहीं, अच्छा होगा तो हमारे आपके जैसा होगा, एक तीसरा आदमी एक्स पर्सन, उसकी करंट लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाए, यानी उस पर उधार इतना ज़्यादा हो जाए कि ना तो वो करंट एसेट यानी कि उसकी जेब में जो पैसा है वो दे दे तो भी नहीं चुका, बैंक में जो पैसा था वो भी दे दिया तो भी नहीं चुका, जितने जेवर थे वो सब बेच दिए तो भी नहीं चुके, घर जमीन जायदाद बेच दिया तो भी नहीं चुका, और जितना पैसा उसके पास रिजर्व था वो सब भी दे दिया अगर तो भी उधार नहीं चुका, इसका क्या मतलब है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, इसका मतलब आदमी की फाइनेंशियल हालत कैसी है,
ये ज़रा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। और क्या ऐसे आदमी को आप फर्दर और उधार देंगे सिर्फ बिजनेस टर्म्स में, जिस आदमी का करंट उधार इतना ज़्यादा है कि वो उसकी जेब के पैसे, उसके बैंक के पैसे सब कुछ दे देने के बावजूद नहीं चुकेगा, अभी भी उधार उसके ऊपर होगा, तो क्या ऐसे आदमी को आप फर्दर और उधार देंगे? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है यही आपको बताएगी आगे आने वाली तीन कंपनियों के बारे में। रिलायंस कम्युनिकेशन, ध्यान से देखिएगा, कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, 21,000, 17,000, 20,000, लगभग 20,000 करोड़ है। कंपनी के करंट एसेट देखिए ज़रा, 1,800 करोड़ हैं करंटली, 1,900 करोड़, 2,300 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000, यानी हमेशा से रिलायंस कम्युनिकेशन के जो करंट एसेट है वो हमेशा कम रहा है उसकी करंट लाइबिलिटीज़ से। कंपनी की हालत बहुत पहले से ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मज़ेदार चीज़ क्या है इसके साथ, कोई बात नहीं, अपना कैश रिजर्व इस्तेमाल करके चुका देगा। ज़रा कैश रिज़र्व देखिए कितना है, 11,000 करोड़, और ये और मिला लीजिए टोटल कितना हो गया राउंड फिगर में 12,000 करोड़, और कंपनी पर करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 20,000 करोड़, यानी 8,000 करोड़ का लोन अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन पर है, जिसको चुकाने के लिए इसको अपने एसेट बेचने पड़ेंगे, अपना ऑफिस तक बेचना पड़ेगा। ऐसे रिलायंस कम्युनिकेशन हमारी अवॉइड लिस्ट में नहीं है, और ऐसे ही हमने आपसे नहीं कहा था कि ADAG ग्रुप के शेयरों से दूर रहें। आज से 6 महीने पहले हमारा सबसे पहला वीडियो था ये, जिस वीडियो से बहुत लोग नाराज़ हुए, बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने ये कह दिया कि ADAG ग्रुप के शेयरों से दूर रहें, हमारे पास रिलायंस कम्युनिकेशन है, हमारे पास रिलायंस कैपिटल है, हमारे पास आर पावर है, हम ये रखेंगे शेयर अपने पोर्टफोलियो में, ये कभी ना कभी वापस आएंगे। सो बैलेंस शीट देखते ही आपको क्लियर पता चल जाएगा क्यों नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, बशर्ते नंबर मैनिपुलेट ना किए गए हों। सो नंबर्स झूठ नहीं बोलते, आपको डाटा एनालिसिस आनी चाहिए थोड़ी सी। सुजलॉन ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन है, करंट लाइबिलिटीज़ 6,000 करोड़, 4,500 करोड़, 4,500, 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
2500 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 4700 करोड़, 4000 करोड़, अप्रॉक्सीमेट हर बार कंपनी के करंट एसेट, कंपनी की करंट लाइबिलिटी से कम ही रहे हैं। और इसके साथ मज़ेदार क्या है, कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ है 4500 करोड़ की, करंट एसेट है 4000 करोड़ का। अगर ये पूरा चुका भी दे तो भी कंपनी को 500 करोड़ की और ज़रूरत है और कंपनी के पास कैश रिजर्व निल है। कहाँ से सुजलॉन का उधार चुकेगा और साथ ही साथ इसके पास डेट भी है, कहाँ से चुकेगा ये? अब बताइए कि अगर आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं या आप ये विशफुल थिंकिंग है आपकी, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुजलॉन किसी दिन टर्न अराउंड होगी, तो टर्न अराउंड होगी तो बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। अगर बैलेंस शीट पर नहीं दिख रहा है तो टर्न अराउंड नहीं होगी कंपनी। जेपी एसोसिएट्स ध्यान से देखिएगा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, यही तो मज़ेदार चीज़ है। और फ्रेंड्स, यही वजह है कि आंकड़ों की एनालिसिस करके करीब महीने भर पहले से हम कह रहे थे कि निफ्टी 11,400 आएगा, और 7 डेज पहले आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर ध्यान से करी होती तो आपको क्लियर पता चल जाता। ये वीडियोज़ आप देखिएगा तो पता चलेगा कि आंकड़े क्यों झूठ नहीं बोलते हैं, बशर्ते आपको उनको पढ़ना आना चाहिए। जेपी एसोसिएट्स ध्यान से देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़। करंट एसेट ध्यान से देखिए, 13,000, 12,000, 10,000, 5,000, 6,000 करोड़। चलिए कह देते हैं हम कि कैश रिजर्व का इस्तेमाल करके हम लोन चुका देंगे, तो 8,000 करोड़ का कैश रिजर्व प्लस 14,000 करोड़ का टोटल अमाउंट, फिर भी कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ 23,000 करोड़ की हैं। 14, 6, 20 और 3, 9,000 करोड़ रुपए और चाहिए कंपनी का पूरा लोन चुकाने के लिए। कुछ नहीं होने वाला है इस कंपनी का, और आपको लग रहा है कि जेपी एसोसिएट्स खरीदेंगे और उसके बाद किसी दिन ये दोबारा से टर्न अराउंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, बशर्ते आप आंकड़ों को पढ़ना जानते हो, डाटा एनालाइज करना जानते हो। तो सो फ्रेंड्स, ये था सेशन, बिल्कुल छोटा सिंपल, एकदम लेमैन लैंग्वेज में। अब इससे आसान हम और नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितनी अपनी पढ़ाई की डिग्री लेते हुए, उसमें तो सबसे ज़्यादा कठिन शब्द इस्तेमाल हुए। ज़रा करंट लाइबिलिटीज़ की इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। करंट लाइबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट रिफर्स टू द डेट और ऑब्लिगेशंस दैट अ कंपनी ओज एंड इज रिक्वायर्ड टू सेटल विद वन फिजिकल ईयर और इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। सच ऑब्लिगेशंस विल रिक्वायर द यूज ऑफ द करंट एसेट लाइक कैश, क्रिएशन ऑफ न्यू करंट लाइबिलिटीज और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस फॉर सेटलमेंट। नाउ कोई भी लेमैन आदमी जो बिल्कुल नया नया है मार्केट के अंदर आया हुआ, अगर जिसके पास में कॉमर्स की डिग्री नहीं है, वो इसको पढ़ते ही तुरंत बंद कर देगा और कहेगा कि ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए हम इस पूरी सीरीज़ में कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के अंदर आपको सिखाने की।
उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो हमारी कोशिश है इस कोशिश में हम कुछ हद तक कामयाब हुए होंगे, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार हमें ये ज़रूर बताइए कि क्या करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है और करंट लाइबिलिटीज़ का सही यूज़ आपकी समझ में आ गया है कि जब इसे यूज़ करना है आपको करंट एसेट और प्लस कैश रिजर्व के कंपैरिजन में। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा। और खास करके वो लोग जो हमारे लर्न टू अर्न सीरीज से जुड़े हुए, टोटल अब तक हो गए हैं 65 लोग जो रेगुलर देख रहे हैं, फ्रेंड्स आपके कमेंट्स हमें ज़रूर चाहिए। आप सबके नाम हमें याद हैं, सो आप कमेंट्स देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर होगा। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।